केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, गुजरात में संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर नए तरीके से प्रतिबंध लागू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू भी लागू। मुंबई के एक 20 मंजिला इमारत की 18वीं मंजिल पर आग लगने से 7 लोगों की मौत, 15 घायल हुए। तारदेव इलाके के कमला भवन में लगी थी आग। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान। मैनपुरी के कड़हल विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे चुनाव। आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के सभी मैच भारत में ही होंगे। बिना दर्शकों के ही आईपीएल आयोजित होने की आशंका। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। भारत में नेटफ्लिक्स का बाजार ठंडा पड़ा। अनुमान से कम ग्लोबल सब्सक्राइबर ग्रोथ। यूएस बाजार में कंपनी का शेयर 20% गिरा। को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स बोले, भारत में सफलता की कमी निराशाजनक। और यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने और स्टिमुलस घटाने की आशंका के बीच बिटकॉइन की कीमत अपने निचले स्तर पर। $1 ट्रिलियन की लागत के क्रिप्टो का मार्केट से सफाया। नवंबर से 50% गिरी बिटकॉइन की कीमत।